अच्छा बच्चों, आज हम शुरू करेंगे 3.1 के बचे हुए क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 के बचे हुए क्वेश्चन। एक से लेके पांच तक, फ्रॉम फर्स्ट टू फाइव द क्वेश्चन वर सॉल्व एंड नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। व्हाट द क्वेश्चन नंबर सिक्स? क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की, वाई की, जेड की वैल्यू हमें निकालनी है फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। बट हेयर वी हैव गिवन, हमें क्या दे रखा है? अगर आप देखोगे, एक मैट्रिक्स ये 2x2 का है, दूसरा मैट्रिक्स 2x2 का है, बीच में इक्वल टू का निशान है। इट मीन टू मैट्रिक्स आर इक्वल टू ईच अदर। दो मैट्रिक्स क्या है? आपस में बराबर है। ये 2x2 ऑर्डर का है, ये 2x2 ऑर्डर का है। इट मीन बॉथ मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर। जब सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर दे रखे हो, तो दैट मीन, उसका मतलब हो गया कि एलिमेंट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट जो भी उसकी पोजिशन है, उसके कोरस्पॉन्डिंगली दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मैं आपसे कहूं ये 2x2 है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट? इसका पोजीशन कौन सी है? a11। इसकी पोजीशन a12। इसकी पोजीशन a21। इसकी पोजीशन a22। तो a11 यहां पर एक किसकी, इसकी पोजीशन a11, a12, a21, a22। तो इट मीन a11 इक्वल टू a11 के बराबर होगा, a12 a12 के बराबर होगा। कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग अगर कंपेयर करते हो आप, तो 4 इज इक्वल टू, 4 किसके बराबर? y के बराबर। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4। एंड नाउ 3 इज इक्वल टू z, 3 किसके बराबर? z के बराबर। तो z की किसके बराबर जाएगा? 3 इज इक्वल टू जेड। और एक्स इक्वल टू किसके? 1 के। एक्स इक्वल टू 1। एंड नाउ 5 इक्वल टू 5, वी नीड नॉट टू फाइंड आउट एनी वैल्यू। ऑन कंपेयरिंग वाई इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 4 एंड जेड इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। ऐसे कंपेयरिंग में एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द एलिमेंट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। जो भी इसकी पोजीशन होगी a11 की, a11 में जो एलिमेंट होगा वो किसको बराबर करेंगे? a11 के दूसरे मैट्रिक्स को। यहां देखो ये भी क्या है, रो 1 रो 2, दो रो हैं और दो कॉलम है, तो इसके अंदर ऑर्डर क्या हो गए? 2x2। ये एलिमेंट कौन सा है? a11। ये कौन सा है? a12। ये कौन सा है? a21। ये a22। दो रो 1 रो 2 रो 2 रो एंड 2 कॉलम। तो ये दिस इज आल्सो 2x2। वही सेम कंपेयर करेंगे a11 को किसके बराबर? सेम स्टेप, ऑन कंपेयरिंग में क्या करेंगे? x प्लस वाई किसके इक्वल? 6 के। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 इक्वल टू 2 हमें कोई जरूरत नहीं है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहां क्या लिखेंगे? 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो इट मीन यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी? जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो जेड इज इक्वल टू 0। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई? 0। 5 प्लस का जाके माइनस का, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8। यहां से एक्स वाई इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। जेड की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एक्स की और वाई की। वो किससे निकलेगी? इसको सॉल्व करके निकलेगी। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसका मतलब यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकालेंगे? एक्स की या वाई की। आपने 10th में क्या होंगे कि फ्रॉम एनी इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट
वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, एक वेरिएबल को दूसरी वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं. मीन ध्यान रखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से क्या है हमारे पास, पहली इक्वेशन देखो, ये भी x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स है, ये x y है, यहां से मतलब यहां से इक्वेशन वन से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, या तो x की या y की. तो हमारे पास क्या बेटे, x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स है, तो यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की निकालो या x की निकालो. अगर आप y की निकालते हो, y इज इक्वल टू, ये प्लस का है, इधर जाए किसका जाएगा, माइनस का, किसका जाएगा, माइनस का, सिक्स माइनस एक्स, ये किसकी वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू. ने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, यहां से y की वैल्यू निकाली, y किसके बराबर है, सिक्स, ये प्लस का है, किसका जाएगा, माइनस का, सिक्स माइनस, इस y की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में, y की वैल्यू किसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट. तो क्या रखेंगे बेटे बताओ, बोलिए, पुट वैल्यू ऑफ y, क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड. सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, x y इज इक्वल टू एट, x और y, ये y है, देखो x y इज इक्वल टू एट और y की वैल्यू क्या है, सिक्स माइनस एक्स, इस y की जगह हम क्या रखेंगे, सिक्स माइनस एक्स. पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इस y की वैल्यू कहां रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट. तो बोलो y की वैल्यू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू एट, ये y किसके यहां से आया, 6 माइनस एट, इस x का x y की जगह, ये y की जगह हमने क्या रख दिया, 6 माइनस एट. तो क्या कर देंगे, ब्रैकेट ओपन इज इक्वल टू एट आ गया. तो क्या आएगा, 6x एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एट, ये प्लस से x हो जाएगा माइनस का, तो क्या लिखेंगे, 6x एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एट इक्वल टू जीरो. अब क्या रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्या रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 6x एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो. आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, इट इज ऑलरेडी इन लेफ्ट हैंड साइड में, ये माइनस का है, तो ये क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे. जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज. जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं. तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सिक्स एक्स, ये किसका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एट इज इक्वल टू जीरो. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो. हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. और एक तरीका और है, अभी हम बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर, इसके अंदर मैं एट को, इस वन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एट से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो एट मल्टीप्लाई करने पर एट आ गया, ये क्या क्या साइन है, प्लस, प्लस करने पर क्या आना चाहिए, सिक्स एक्स, और सिक्स एक्स किसका होना चाहिए, माइनस का सिक्स. अब देखिए दो नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या करेंगे, एट करेंगे, और प्लस करने पर सिक्स आना चाहिए, और सिक्स किसका होना चाहिए, माइनस का. तो क्या रखेंगे बोलो, एट के फैक्टर बनाएंगे, एट की क्या बनाएंगे, फैक्टर, देखो वन इंटू एट, एट को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एट आएगा, लेकिन एट प्लस करने पर क्या है, देखिए फैक्टर, दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट आठ होता है, तो हमने क्या लिख दिया, एट इंटू वन, एट आ गया, क्या प्लस करने पर क्या आना चाहिए, सिक्स, दोनों को प्लस करो, सिक्स आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एट इंटू वन इज नॉट आवर आंसर. अब उसके बाद बताओ बेटे, एट, दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट एट होगा, एक तो एट इंटू वन हो गया, दूसरा टू से करा, तो टू फोर जा एट, टू और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, एट आ गया, टू और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एट आएगा, और प्लस करेंगे तो टू और फोर को सिक्स आ जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा, फैक्टर क्या बनेंगे इसके, फोर और ये टू, और प्लस करने पर इसका दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन साइन किस करेगा, माइनस का.
इट मीन हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 8 से, मल्टीप्लाई करने पर 8, प्लस करने पर 6, और 6 इसका आना चाहिए माइनस का, जब माइनस का हो तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6 को ब्रेक किया 4 और 2 प्लस करने पर ब्रैकेट लगाया, माइनस होगा तो इसका बेटर है यू हैव टू पुट ब्रैकेट, 6 लाना है, 6 को लाने के लिए क्या करेंगे 4x प्लस 2x, एक क्या था हमारे पास 4, दूसरा क्या था 2, तो 6 को हमने तोड़ दिया 4x प्लस 2x, 6 को हमने तोड़ दिया 4x प्लस 2x, और बचा क्या प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में 6x को हमने ब्रेक कर दिया, 6x को ब्रेक किया कैसे 4x प्लस 2x, उसके बाद क्या करेंगे बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, एंड नाउ इन दोनों में कॉमन पेयर बना दिया, तो इन दोनों में कॉमन x कॉमन आ गया, इतना तो पता होगा आपको, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x कॉमन आ गया, इसमें कितने x थे 2, 1x बाहर आ गया तो कितने बचे x माइनस, x बाहर आ गया तो बचा क्या माइनस 4, ये क्या का साइन है माइनस 2 और ये 8, 2 और 8 में दोनों में कॉमन, ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं 2 की टेबल में आते हैं, 2 आ गया ब्रैकेट, जब बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज होंगे, अगर ये माइनस है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का, 2 की टेबल ये माइनस है ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 2 की टेबल 2 में 1 और x का x, और ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 की टेबल 4 में 8 में 4 टाइम 2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों क्या हो गए सेम कॉमन, x माइनस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या हो गया x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इट मीन x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई 2 वैल्यू आ गई, अब निकालनी किसकी वैल्यू है y की, x आ गया हमारे पास, अब निकालनी किसकी वैल्यू है y की, तो y की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो x ये क्या रखेंगे यहां पर 4, देखो y हमने निकाला था v नो, v नो y इज इक्वल टू 6 माइनस x, y इज इक्वल टू 6 माइनस x व्हेन x इज इक्वल टू 4, जब x क्या है 4 है तो y क्या होगा y इज इक्वल टू 6 माइनस x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, अगर x 4 होगा तो y कितना होगा 2, x कितना हमारे पास 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 6 माइनस x, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, अगर x 2 है तो y कितना है 4 है, इट मीन हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, एक 4, जब x 4 है तो y कितना है 2, z कितना है 0, और अगर x 2 है तो y कितना है 4 और z कितना है 0, तो इट मीन x की वैल्यू x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0, और x इक्वल टू अगर 2 है तो y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एंड नाउ सेकेंड पार्ट, अब कौन सा पार्ट करेंगे थर्ड पार्ट, नाउ थर्ड पार्ट देखिए ध्यान से देखना, ये क्या है बेटे कितनी रो इसमें 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो है और कॉलम एक ही है, ये एक ही टर्म 3 है लेकिन नंबर वैल्यू एक ही मानी जाएगी, एक ही फंक्शन आ जाएगा, ये एक ही है ये एक ही है, तो इसका मतलब क्या होगा कितनी रो इसमें 3 रो है और कॉलम एक है, इसमें रो कितने हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका कितना है 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो और 1 कॉलम, इट मीन बोथ आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है सेम 1 2 3, 1 2 3, 3 by 1, 3 by 1, अब कंपेयर करेंगे इसका जो एलिमेंट होगा इसकी पोजीशन a11 वो इस किसके बराबर होगा 9 के बराबर, x प्लस z किसके बराबर होगा 5 के, इसका नाम क्या है 21,
इसका नाम क्या है, 2 1, 2 1 को 2 1 से कंपेयर, y plus z is equal to 7, तो क्या आंसर आएगा, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग x plus y plus z is equal to 9 हो गया, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट x plus z is equal to 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड y plus z is equal to 7, इक्वेशन थर्ड। अगर मैंने फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे, ये मेरे पास क्या है, x plus z is equal to 5, ये मेरे पास क्या है, x plus y plus z is equal to 9, x plus z की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 5, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये x plus y plus z is equal to 9, और ये क्या मेरे पास x plus z है, x plus z is equal to 5, तो मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूं, x plus z लिख दिया प्लस y इज इक्वल टू 9 लिख दिया, 9 लिख दिया, x प्लस z आगे पीछे लिख दिया ना, x प्लस z इज प्लस y इज इक्वल टू 9 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, x प्लस z की जगह क्या रख देंगे, x प्लस z की जगह क्या रख देंगे, 5, x प्लस z की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकेंड ये रही, तो x प्लस z की जगह 5 आ गया, x प्लस z इसकी जगह क्या रख देंगे, 5, बट x प्लस z इज इक्वल टू 5, इसकी जगह क्या रख देंगे, 5, तो क्या लिखूं, 5 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया, y कितना आ गया, 4 आ गया, y इज इक्वल टू 4, उसके बाद x प्लस z की जगह क्या रख देंगे, 5 प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, y इज इक्वल टू 4, ये y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या है, किसकी वैल्यू चाहिए, y की आ गई, z की चाहिए हमारे को, तो ये y की वैल्यू 4 आ गई। अब यहां से हम दो तरीके से कर सकते हैं, y प्लस z, अब फर्स्ट और थर्ड को ले सकते हैं, या y इज इक्वल टू 4 किस पर रख देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, देखो ना y इज इक्वल टू 4 कहां रख देंगे, इसमें रख देंगे, देखो पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन क्या हमारे पास बेटे, y प्लस z, y प्लस z इज इक्वल टू 7, y प्लस z इज इक्वल टू 7, y प्लस z इज इक्वल टू 7, इस y की जगह क्या रख देंगे, y इज इक्वल टू 4, इस y की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, क्या रख देंगे, 4, 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 3 आ गया, z कितना आ गया, 3 आ गया। फिर किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने x की वैल्यू आ गई, ये सॉरी z की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है, ये क्या है, इक्वेशन सेकंड में x प्लस z इज इक्वल टू 5, x प्लस z इज इक्वल टू 5, यहां किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x की निकालनी है, तो z की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, z की जगह क्या रख देंगे, सॉरी z की जगह क्या रख देंगे, 3, z इज इक्वल टू 3 किस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड, z इज इक्वल टू 3, z की जो 3 वैल्यू, z की जो वैल्यू आई है ये कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब क्या रखेंगे, z इज इक्वल टू 3, चेक करिए बेटे, पुट ये क्वेश्चन अभी, पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन किस में, सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड क्या हमारे पास बोलो, x प्लस z इज इक्वल टू 5, z की जगह क्या रख देंगे, 3, देखो x प्लस z, x प्लस z इज इक्वल टू 5, x प्लस z इज इक्वल टू 5, तो x z की जगह क्या रख देंगे, 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 3, x इक्वल टू 2, ये 2 आ गया, तो therefore x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और z की कितनी वैल्यू आ गई, 3, this is your answer, x equal to 2, y is equal to 4, z is equal to 3, तो क्या आएगा, इसमें आप इसमें वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हैं, this is your part number 3rd, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, नोट कर लीजिए,
क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, फाइंड ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन, वही सेम इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। अच्छा ऑर्डर इसका किसका कितना ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स वन रो टू रो, इसका मतलब सेकंड फर्स्ट रो सेकंड रो, देयर आर टू रो, ये क्या है फर्स्ट रो के एलिमेंट, ये कौन से हैं सेकंड रो के एलिमेंट, तो दो रो हो गए इसमें, टू रोज हैं बाई कॉलम कितने इसमें देखो, एक कॉलम दो कॉलम, तो क्या है टू बाई टू। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने रो है इसमें देखो, ध्यान से देखिए, एक रो दो रो टू रो हैं और टू क्या है कॉलम, तो क्या लिखेंगे टू बाई टू। अब इसको क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर, अगेन कंपेयरिंग, बोलो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा माइनस वन के, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, और a टू ए माइनस सी टू ए मीन सॉरी प्लस सी इज इक्वल टू फाइव। देखो ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, टू ए माइनस बी जीरो के इक्वल, थ्री सी प्लस डी थर्टीन के इक्वल, वन 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 में के इक्वल, ए वन टू ए वन टू ए टू वन ए टू वन ए टू टू ए टू टू, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नाउ टू ए माइनस बी इज इक्वल टू टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड, एंड फोर्थ इज थ्री सी प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब मैंने चारों इक्वेशन लिख दिए, देखो ध्यान से, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, बी प्लस सी बी टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, टू ए प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, थ्री सी प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन। अब कैसे निकालेंगे सोचे जरा, अगर मैं यहां पर देखू ए है बी है, यहां देखो ए है बी है, इसका मतलब मैं इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को सॉल्व कर सकता हूं। आपने टेंथ में क्या होंगे एलिमिनेशन से या तो सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन आसान कौन सा रहेगा एलिमिनेशन से। तो इससे मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी और बी की वैल्यू आ जाएगी। इस ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो किसकी आ जाएगी सी की आ जाएगी, फिर सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो किसकी आ जाएगी डी की आ जाएगी। पहले इन फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करेंगे किससे एलिमिनेशन से, फिर उसके बाद ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके बाद उस ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो किसकी आ जाएगी सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो किसकी आ जाएगी डी की वैल्यू आ जाएगी। करोगे करिए जरा चेक करिए कैसे करेंगे, देखो अब देखो ध्यान से, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, दोनों क्या कर देंगे एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे कोफिशिएंट सेम करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बोलो बेटे ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, यहां पर इसका क्वेश्चन वन है इसका क्वेश्चन टू है, यहां पर इसका क्वेश्चन माइनस वन है इसका क्वेश्चन माइनस वन है, मेरे ख्याल से दोनों के क्वेश्चन सेम है, तो हमें एक ही क्वेश्चन सेम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये किसका साइन है माइनस का, ये भी किसका है माइनस का, तो दोनों के साइन क्या है सेम है, तो फर्क एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या चाहिए कोफिशिएंट सेम और साइन अलग अलग, मीन एक प्लस का और एक माइनस का, तो उसके लिए हम क्या करते थे साइन चेंज करते थे, ये माइनस का तो किसका आ जाएगा प्लस का, जीरो तो चाहे प्लस है चाहे माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस बी प्लस बी, ये बी प्लस का हो गया, ये दोनों कट गए, अब हमारे पास क्या आ गया ए प्लस का है और टू ए किसका है माइनस का, देखो ये ए प्लस का है टू ए किसका है माइनस का, ए प्लस का टू ए माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, देखो ए ए है और माइनस टू ए, इसका मतलब टू एक प्लस का एक माइनस का, तो दो में से एक को माइनस करेंगे तो क्या आएगा एक, और साइन किसका आएगा बड़े वाले का आएगा, तो क्या आएगा इसका बताओ वन प्लस का है और टू माइनस का है, तो टू में से वन गया वन, वन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, माइनस वन ए, ये दोनों कट गए बचा गया माइनस वन जीरो, माइनस से माइनस कट गया तो ए इज इक्वल टू वन आ गया, ये कितना आ गया वन। अब इस ए की वैल्यू जो आई है हमारे पास किस में रखेंगे, या तो इक्वेशन नंबर वन में या इक्वेशन नंबर टू। ए
की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर वन में, इक्वेशन नंबर टू में। तो हमने पहले क्या करा, ध्यान से देखें प्लीज, हमने क्या करा, दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को हमने किससे सॉल्व किया, एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन में क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, टू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस, और फिर क्या कर दिया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों के साइन सेम है। तो हमने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया, ये माइनस का हो गया, ये किसका हो गया, प्लस का, ये किसका है, प्लस का है, माइनस का, इसको कोई जरूरत नहीं है, ये तो चाहे प्लस, ये प्लस का है तो माइनस का, नीड नॉट टू चेंज। ये दोनों कट गए तो बचा गया ए, ये वन किसका है, प्लस का, ये टू किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया, माइनस ए आ गया, ये कितना आ गया, माइनस वन, माइनस से माइनस कट, ए इज इक्वल टू वन आ गया। ए की जो वैल्यू वन आई है वो किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। बोलो क्या लिखेंगे इसके बाद, पुट वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए कितना है, वन के इक्वल इन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट में। व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, ए की जगह क्या रखेंगे, वन, ए की जगह वन, क्यों, ए इज इक्वल टू वन, भाई माइनस माइनस कर गया, ए वन आ गया, ए की जगह वन रख दिया, माइनस बी का माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, ये वन प्लस का है, इधर किसका जाएगा, माइनस का, माइनस बी माइनस वन, ये वन प्लस का है, इधर किसका जाएगा, माइनस का, तो माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू, ये माइनस ही माइनस कट, तो बी इज इक्वल टू टू आ गया। ए की वैल्यू वन आ गई, बी की वैल्यू टू आ गई, और इसको आप क्रॉस से करिए चाहे सब्ट्रैक्शन से करिए। अब हमें निकालनी है सी और डी की वैल्यू। अब वो जो बी की वैल्यू दो आई है और ए की वैल्यू वन आई है, तो इस ए की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर, देखो यहाँ ए है मेरे पास, सी है और कुछ नहीं है, पांच है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर ए की जगह रख देंगे, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की आ जाएगी। ए कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो ए कितना है मेरे पास, वन, कहाँ रख देंगे, यहाँ पर, कौन सी इक्वेशन में, तीन में, तो क्या लिखेंगे बताओ, पुट ए इज इक्वल टू वन इन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड में। तो थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, बोलो, टू ए प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, टू ए की जगह वन प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, तो टू को वन से टू प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, तो ये टू प्लस का जाएगा, किस जाएगा, माइनस का, तो क्या लिखेंगे बताओ, तो सी इज इक्वल टू फाइव माइनस टू, तो सी इज इक्वल टू थ्री आ गया, सी कितना आ गया, थ्री, तो टू प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, तो सी कितना आ गया, तीन आ गया। अब इस सी की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, देखो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सी की वैल्यू रख दी, एक इक्वेशन और बची है हमारे पास, फोर्थ, फोर्थ इक्वेशन क्या है, थ्री सी प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन, डी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, डी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, लेकिन सी की वैल्यू मेरे पास है, सी की वैल्यू कितनी है, तीन, अगर मैं सी की जगह तीन रख दूँ, सी की जगह तीन रख दूँ, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की आ जाएगी, तो क्या लिखूँ बताओ, पुट सी इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन फोर, बोलो, थ्री सी प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन, थ्री सी की जगह थ्री प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन, थ्री थ्री जा नाइन प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन, तो डी इज इक्वल टू थर्टीन माइनस नाइन, तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, डी कितना रहेगा, फोर। तो इस तरीके से हम ए की, बी की, सी की और डी की वैल्यू निकाल देंगे। दोबारा देखिए, इस ए माइनस बी को किसके इक्वल रखा, माइनस वन के, टू ए माइनस बी को किसके इक्वल रख दिया, जीरो के, इसको इक्वेशन नंबर वन ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर टू ले लिया, टू ए प्लस सी इज इक्वल टू रख दिया फाइव, टू ए प्लस सी इज इक्वल टू फाइव रख दिया, थ्री सी प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन रख दिया, थ्री सी प्लस डी इज इक्वल टू थर्टीन रख दिया। अब ये इसमें दोनों में अलग अलग है, ए और सी, इसका मतलब ये एलिमिनेशन से, क्रॉस से, सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर देंगे, किससे, एलिमिनेशन से, अपने एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया, बी से बी कर दिया, ए माइनस टू ए प्लस माइनस माइनस आ गया, ए की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू किसे पुट कर दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में रख दिया, ये ए वन रख दिया, ए वन कहाँ से आया, ये रहा, वन आ गया, माइनस बी इज इक्वल टू वन, यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, बी की, ए और बी की वैल्यू आ गई, इस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ रखें, थर्ड में रख दिया, ए की जगह क्या रख दिया, वन रख दिया, ए की जगह क्या रख दिया, वन, देखो टू ए प्लस सी, टू वन प्लस सी, सी की जगह तीन आ गया, इस सी की जगह इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दिया, सी और डी, सी की जगह हमने क्या रख दिया, तीन, तो डी की वैल्यू आ गई।
इसको नोट कर लीजिए एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर एट. एट में कह रहा है कि ए इज इक्वल टू, ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं किसे. ए इज अ मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे, जिसके एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से ऑफ ऑर्डर एम बाय एन. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम बाय एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स देयर आर ऑप्शन एम इज लेस देन वन, एम इज ग्रेटर देन वन, एम इक्वल टू वन. हेयर इज ऑप्शन अंडर वट कंडीशन दिस इज स्क्वायर. स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स वेन द नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. तो इट मीन एम किसके इक्वल होना चाहिए, एन के इक्वल. ये आपको पहले बता चुके हैं. तो ऑप्शन इज सी. इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा इसका ऑप्शन. स्क्वायर मैट्रिक्स में एम किसके बराबर होना चाहिए, एन के. विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. हमने ये चेक करना है कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. इक्वल होने के लिए पहले इनका क्या चेक करेंगे, ऑर्डर. ऑर्डर सेम है, यस. देखो वन टू दो रो, वन और टू दो कॉलम, टू बाई टू, ये भी टू बाई टू. क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, इसका मतलब टू बाई टू है तो इसका मतलब बहुत है इक्वल. थ्री एक्स प्लस सेवन वाई प्लस वन फाइव, टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट वाई माइनस टू और ये फोर. तो हम कंपेयरिंग कंपेयर करते हैं. तो कंपेयरिंग में क्या लिखते थे बेटे बताओ, इसको किसके इक्वल, जीरो के इक्वल. तो मैं क्या लिखूं, थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो. इससे किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई. तो थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन, एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन अपॉन थ्री. ये तो एक्स की वैल्यू आ गई. लेकिन अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू यहां से भी आ रही है, एक्स की वैल्यू यहां से भी देखो आ रही है, दो वैल्यू आ रही है. और ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, या तो इसको करेगा, या देखते हैं यहां से देखते हैं एक्स की वैल्यू. टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर, माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू माइनस थ्री एक्स, ये प्लस का एक्स हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू टू. तो एक्स इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री. तो मेरे पास एक्स की दो वैल्यू आ रही है एंड विच इज, देखिए जरा, अगर एक्स सेवन बाई थ्री है, टू बाई थ्री, अगर इसमें सेवन बाई थ्री रखते हैं तो क्या इसमें सेवन बाई थ्री रखने पर आ जाएगा आंसर, चेक करेंगे इस पर, इस पर सेटिस्फाई नहीं होगा. तो इसका मतलब ऑप्शन देखते हैं, एक्स की दो वैल्यू आ रही है. क्या एक्स की दो वैल्यू रखिए, देखो एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री सेवन, और वाई की वैल्यू निकालने हैं, वाई प्लस वन इज इक्वल टू एट, तो वाई इज इक्वल टू सेवन. फर्स्ट एक्स की दो वैल्यू आ रही है जो क्या कर रहा है बेटे, एक को सेटिस्फाई करेगा. इन दोनों में से एक ही वैल्यू सेटिस्फाई होगी, या तो ये वाली होगी या ये वाली होगी. ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा, ये वाली वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी, चेक कर लीजिए. देखो एक्स की जगह माइनस थ्री, एक्स की जगह माइनस टू बाई थ्री रखेंगे, प्लस में सेवन, थ्री से थ्री कट गया फाइव आ रहा है, और यहां क्या रखा है जीरो, विच इज रॉन्ग. तो इसका आंसर क्या होगा बेटे, नाइन का, नाइन का कोई भी आंसर नहीं है. इसका आंसर है बी, नॉट पॉसिबल. एग्जैक्ट आंसर इसमें नहीं है, तो नॉट पॉसिबल. ये तो आप कर सकते थे. एंड नाउ क्वेश्चन नंबर टेन चेक कर लो बेटे फिर भी. एंड क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन में कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल्स मैट्रिसेस विद एंट्रीज. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं विद एंट्रीज जीरो और वन. अगर मैंने टू बाय टू का बनाया जिसमें एंट्री क्या होनी चाहिए, टेन. इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, नंबर टू बाय टू टू थ्री बाय थ्री. इट मीन विद एंट्रीज, एंट्रीज को लेट एंट्रीज टोटल एंट्री, लेट टोटल एंट्रीज इज इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स ले लिया, एंड ऑर्डर
प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, जिसे हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल 3/3 मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसे हम क्या बोलेंगे, टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट्स। ये इसका एक फॉर्मूला ही बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने इसका मतलब एम बाई एन। तो व्हाट इज, उसने क्या पूछा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, पॉसिबल मैट्रिक्स, पॉसिबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू फर्स्ट टोटल एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज एक्स, टोटल एंट्रीज, टोटल एंट्रीज होल पावर एम बाय एन। हियर इज टोटल एंट्रीज इज टू, जीरो एंड वन टू एंट्रीज, एंड ऑर्डर इज थ्री बाय थ्री, थ्री बाय थ्री मीन्स नाइन, टू की पावर नाइन इट इज 5/12। इफ दिस ऑर्डर विल बी टू बाय टू, टू बाय टू, तो वी विल राइट टू बाय टू, टू टू जो फोर, टू की पावर फोर। दिस इज योर फॉर्मूला मीन्स टोटल एंट्रीज होल पावर ऑर्डर। नाउ आई एम गिविंग एक्सप्लेन इन एग्जाम्पल, अगर यही क्वेश्चन अगर होता थ्री बाय थ्री के बदले, नाउ थ्री बाय थ्री के बदले टू बाय टू होता, आंसर इसका ये 512, देन व्हाट इज योर आंसर, योर ऑप्शन इज डी, इसका आंसर है डी। इज इट क्लियर? एंड नाउ एक मैं वेरीफाई करता हूं, अगर टू बाय टू का होता है इन प्लेस ऑफ दिस थ्री बाय थ्री, टू बाय टू का होता, तो मैंने क्या बताया था आपको, टोटल पॉसिबल, टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस फॉर्मूला आपको लिखा रखा है। तो मैंने क्या बताया, टोटल एंट्रीज दो, टू बाय टू मीन्स टू की पावर फोर, तो टू की पावर फोर मीन्स 16 है होनी चाहिए मैट्रिक्स, जिसमें एंट्रीज या तो वन होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए, जस्ट 16 तो हम बना सकते हैं। तो इसे चेक कर लीजिए, अगर एक मैट्रिक्स हो गया जीरो 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 जीरो, जीरो के समय, अब मैंने क्या ले लिया, एक जगह जीरो, एक जगह वन, बाकी जीरो, वन की पोजीशन क्या करती चाहिए, दिस इज मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो मैट्रिक्स टू बाय टू, अब क्या लिख दिया जीरो वन जीरो जीरो, फिर क्या लिख दिया, देखिए पहले एक जीरो चारों जीरो एंट्री कर दी, इसमें एक जीरो लगा दी, तीन एक वन लगा दिया, बाकी तीन जीरो। अब वन की पोजीशन क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, पहले वन कहाँ पर है, यहाँ पर, अब यहाँ ले आएंगे, फिर यहाँ, अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ ले आएंगे जीरो जीरो वन जीरो, अब किधर आएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा बेटे जीरो 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 वन, कितना होगा इसमें 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और कुछ एंट्री हो सकती है, नहीं हो सकती इसमें। अब क्या लिखेंगे, दो वन लगाएंगे 1 1 0 0, पहले चार जीरो थे, एक भी वन था, अब वन, वन की पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी, अब मैंने कितने दो ले लिए, वन दो ले लिए, दो जीरो लिए, अब इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, अब क्या लिख सकते हैं हम, वन यहाँ पर वन वन आएगा ना, अब मैं यहाँ लिख दे जीरो वन जीरो, नहीं सॉरी वन जीरो लिख सकते हैं, देखो वन की पोजीशन नीचे करा देंगे, अब यहाँ पर वन आ गया, यहाँ आ गया, अब ये वन कहाँ जाएगा, यहाँ खिसक जाएगा, अब इसको ऐसे लिखते हैं कैसे, अब ये वन जीरो जीरो वन वन ऐसे आ सकता है, देखो दो वन है, पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर अगेन वर्टिकल, फिर वन वन जीरो जीरो हो सकता है, देखिए दोनों वर्टिकल आ गए, दोनों ओरिजिनल आ गए, अब क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, क्रॉस मतलब एक वन यहाँ लिखते हैं, एक वन यहाँ लिखते हैं, एंट्री क्रॉस एंट्री कर सकते हैं ना, 1 0 0 1, ये भी दो के दो ही है, और क्या कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं क्या, ये वन यहाँ लिखते हैं 0 1 1 0 हो सकता है, इसका मतलब मैंने इसमें चारों जीरो दी, इसमें तीन जीरो एक रख दिया, इसमें दो जीरो और दो एक रहती है, टोटल एंट्री कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब इसमें कितनी जीरो थी, चार, इसमें तीन जीरो, इसमें दो जीरो, अब कितनी जीरो रखेंगे, एक जीरो, एक जीरो रखेंगे, तो क्या आएगा, एक जीरो बाकी सारे वन, अब वन की पोजीशन चेंज कर दो, बोलो क्या आएगा, नहीं सॉरी जीरो की पोजीशन चेंज कर दीजिए, जीरो यहाँ पर था, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 1 1, अब जीरो इधर आ जाएगा, क्या आएगा 1 1 0 1, अब क्या आ जाएगा, वन 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 जीरो, अब पेन नहीं आएगा, यहाँ ऑलरेडी रोटेट आ गया, इसमें कितनी जीरो, चार जीरो, इसमें तीन जीरो, इसमें दो जीरो, इसमें एक जीरो, अब एक भी जीरो नहीं, तो बचा गया 1 1 1 1, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5,
एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, तो फॉर्मूला मुझे बन गया ये। तो ऐसे 3/3 में क्या होगा 512, जिनकी एंट्री सी होगी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम गिविंग यू टू और थ्री क्वेश्चन एंड यू टू डू, यू हैव टू डू एट होम, बी केयरफुल फॉर दैट। देखिए चार क्वेश्चन है, जरा सॉल्व करके लाना घर से, मैं एक बार रीड करके देखता हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, चेक करना। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 हुज एलिमेंट्स आर गिवन। 3/4 का मैट्रिक्स एक बनाना है जिसके एलिमेंट क्या है, ए आई जे एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है, आई प्लस जे कब यूज करना है, कब इफ आई ग्रेटर और इक्वल टू जे और आई अगर लेस देन जे है तो हम ये वाला कंडीशन यूज करेंगे। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 जिसके एलिमेंट रिप्रेजेंट करें ए आई जे, मॉडुलस है, दिस इज मॉडुलस, दिस इज मॉडुलस नॉट वन, दिस इज मॉडुलस, ये आ गया मॉडुलस माइनस 3i प्लस j अपॉन 2 इफ i j के बराबर नहीं है, i प्लस j होल स्क्वायर इफ i इक्वल टू j, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ थर्ड वन, इफ a इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू, ये एलिमेंट दे रखे हैं एंड b ये दे रखे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a 22 एंड b 21। सेकंड लास्ट, अगर a दे रखा है ये, k a दे रखा है ये, k a इक्वल टू ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a एंड दिस क्वेश्चन, इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड यू हैव टू डू एट होम। एंड नाउ वी विल यू कवर दिस टॉपिक।